सिहारा में ड्यूटी से लौट रहे सिपाही के साथ कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट व गाली गलौज की। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की। बिजनौर के थाना सिहारा अंतर्गत बुढ़नपुर ईदगाह ड्यूटी से वापस लौटते सिहारा लौट रहे सिपाही सत्येंद्र कुमार की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिसमें सिपाही सत्येंद्र कुमार के चेहरे व घुटनों में चोटें आईं। कुछ शरारती तत्वों ने उस घायल सिपाही के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और आरोप लगाया कि यह सिपाही नशे की हालत में छेड़छाड़ कर रहा है, जबकि वह घायल सिपाही मदहोश अवस्था में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तीन लोगों ने उस घायल सिपाही के साथ अभद्रतापूर्वक मारपीट व गाली गलौज की। पुलिस ने उन तीनों आरोपी फैजान, मोहम्मद शाद व वसीम को धारा 332, 307, 504, 506 में सरकारी कार्य में बाधा डालने पर गिरफ्तार किया और उनको जेल भेज दिया। घायल सिपाही को CSC सिहारा में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। थाना सिहारा में एक आरक्षी सत्येंद्र बुढ़नपुर रोड से ईद नमाज की ड्यूटी करके थाने की तरफ वापस आ रहा था। सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात लहूलुहान हो गया था। इसी दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से चलते हुए तीन लड़के एक ही समुदाय के थे, फैजान, वसीम और मोहम्मद शाद। इन्होंने इस आरक्षी के ऊपर अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग किया, मारपीट किया तथा विद्वेषपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया। इनके मारपीट से वह सिपाही बेहोश हो गया, लात भी मारा था। कॉस्मोस हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर अवस्था में है। इन तीनों के खिलाफ 307 सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से फैजान नामक अभियुक्त, जो राजा के ताजपुर से भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाएगा।